हेलो गाइस, टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट रेडिएशन। यानी अगर आप एक हैंडसेट यूज़ करते हैं और आपको पता नहीं है कि रेडिएशन क्या है, और जर्मन कंपनी ने ऐसे ही 23 कंपनीज का जो मोबाइल है उसमें रेडिएशन ज़्यादा होने के कारण उन लोगों ने जारी किया है एक नया लिस्ट, यानी कौन सा आपका मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल पर आपका रेडिएशन ज़्यादा है। और आप इस हैंडसेट को आप यूज़ करते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। यानी मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान। यानी आप सभी को मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप रेडिएशन के बारे में जानना चाहते हैं और रेडिएशन चीज़ क्या है और कौन सा मोबाइल पर रेडिएशन ज़्यादा है, उसको जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर अलाउ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए रोजाना इस तरह का वीडियो डाल देता हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो इसका मोबाइल हैंडसेट के बारे में बात करने वाला है, यानी आप और मैं रोजाना हैंड्रॉइड सेट यूज़ करते हैं। यानी एंड्रॉइड सेट एक ऐसा हम लोगों का जो सिस्टम्स हो गया जिसके बिना हम चल नहीं सकते और आप भी नहीं चल पाएंगे। तो इसके चलते हुए आपका और हमारा जो एंड्रॉइड सेट है उसमें रेडिएशन कितना है आपको भी पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है। तो इसके चलते हुए जर्मन कंपनी ने जो आपको मैं बताया अभी 37 कंपनी का जो मोबाइल हैंडसेट का उसको किया, मगर उससे भी ज़्यादा 16 कंपनी का जो एंड्रॉइड हैंडसेट है उसका भी लिस्ट जारी किया। यानी सबसे ज़्यादा कौन सा कंपनी का मोबाइल हैंडसेट में है। यानी देखिए, अगर आप ज़्यादातर हैंडसेट करते हैं अपना मोबाइल ज़्यादातर यूज़ करते हैं, यानी आप ज़्यादातर बात करते हैं मोबाइल फ़ोन से, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। यानी आप ज़्यादातर फ़ोन में यूज़ करते हैं करते हुए आप अपना जो कान पे मोबाइल लगा के बात करते हैं उसी टाइम पे आपका जो कान है वो बहुत ही गर्म हो जाता है और आपका मोबाइल भी बहुत ही गर्म होता है। तो इसके लिए आपका जो बहुत ही आपका जो हेल्थ है वो बहुत ही खतरे में आ सकता है, यानी आपका कैंसर भी हो सकता है इसके चलते हुए। तो कौन सा मोबाइल आपको रिस्क में ले जाएगा आपका लाइफ को, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो जैसे कि मोबाइल सबसे पहले आता है आपका MI, जो 2017 में सबसे ज़्यादा सेल हुआ था इंडिया में। यानी 2017 में जो MI A1 का जो हैंडसेट है वो ज़्यादातर सेल हुआ था पूरा विश्व में या पूरा इंडिया में। तो जर्मन संस्था से जो लिस्ट पाया गया है सबसे जो रेडिएशन में वो है MI A1। यानी MI A1 का हैंडसेट आपके लिए बहुत ही खतरा है। अगर आपके पास MI A1 हैंडसेट है तो आपको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर फ़ोन पे ज़्यादा टाइम बात करते हैं, गेमिंग करते हैं एंड आप इंटरनेट कनेक्शन करते हैं, अगर आप ज़्यादातर फ़ोन में बात करते हैं तो आपको ये चेतावनी जरूर होगी। क्योंकि अगर आप फ़ोन में बात करते हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप फ़ोन पे ज़्यादातर कान पे ना लगा के बात करके आप हेडफोन यूज़ कीजिए, और सबसे अच्छा अगर होगा आप टेस्ट में बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो A1 MI का जो सिस्टम से सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है रेडिएशन के थ्रू। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर सेकेंड में जो आता है मोबाइल वो है OnePlus 5T। इसका रेडिएशन कितना है आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इसका रेडिएशन है 1.68 वाट। यानी आपका 1.68 वाट में आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो सप्लाई करता है। तो इसमें आप सोच सकते हैं कि अपना ये जो हैंडसेट है आपको कितना खतरनाक बना सकता है, यानी वो हैंडसेट आपको कितना खतरनाक बना सकता है। हम पहले सुनते थे कि MI का हैंडसेट पहले कभी कभी ब्लास्ट हो जाता था, बैटरी ब्लास्ट हो जाता था, कभी कभी आग लग जाता था ऑटोमेटिकली। दोस्तों, जो पहले बताया था कि हाँ ब्लास्ट होता है वो एक्चुअल में इसी रेडिएशन के कारण ब्लास्ट होता था। और सबसे पहले जो इसमें बताया था कि इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है, इसमें बैटरी बैकअप जो सिस्टम था वो आपका 5000 6000 8000 का बैकअप बनाता था, क्योंकि स्टोरेज कम है और इसमें ज़्यादा लोडेड है। अगर आपका एक बैलून में आपका सोच लीजिए आपका वैल्यू नहीं जो छोटा है उसमें आप जितना हवा भरेंगे जितना उसका लिमिट है उतना ही देना चाहिए,
अगर आप उसमें ज़्यादा पम्प कर देंगे यानी हवा ज़्यादा डाल देंगे तो बैलून तो ब्लास्ट हो ही जाएगा। इसी चलते हुए जो एम आई का हैंसर था वो ब्लास्ट होता था, मगर अभी उसमें थोड़ा सुधार लाया गया। और जो नंबर थर्ड में आता है वो है आपका मैक्स 3i, यानी मैक्स 3i का जो आपका हैंडसेट है उसमें भी रेडिएशन सबसे ज़्यादा है, यानी उसका 1.58 यानी उसका 1.58 का रेडिएशन है। तो इसमें आपका और हमारा दोनों का ही खतरनाक चीज़ है ये मोबाइल, यानी हम रोज़ाना मोबाइल को चलाते हैं, यूज़ करते हैं, मगर आप और हम मोबाइल को छोड़ के नहीं रह सकते। तो इसके चलते हुए मोबाइल जो है हम लोगों का ज़िंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है, मगर आप और हम अगर इसमें आपका जागरूक बनाए रखेंगे यानी हम इसको चेतावनी करते रहे, आप जैसे कि आप फ़ोन पर ज़्यादा बात करते हैं तो आप हेडफोन का यूज़ कीजिए, और अगर आपको ज़्यादा बहुत सारा बात करना है तो आप टेक्स्ट में करेंगे यानी आपके मैसेजिंग में करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और सबसे बात अगर आपका आप जिस यानी लोकेशन में रहते हैं अगर उस लोकेशन में आपका मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता है यानी बहुत ही सिग्नल लो है तो आप जिसी को भी फ़ोन करते हैं फ़ोन करने का टाइम यानी आपका फ़ोन नहीं लग रहा है उस टाइम पे आपका मोबाइल जो है कान में मत लगाए, यानी आपको उसमें लाउड स्पीकर करें, लाउड स्पीकर करके फ़ोन लगाए तो आपको बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें जो रेडिएशन है बहुत ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आपका जो सिम का नेटवर्क है थोड़ा सा नेटवर्क रहता है और आपको उस नेटवर्क में जो आपका सिम का टावर है नेटवर्क है उसको कैच करने के लिए जितना भी क्षमता है वो लगाता है, मगर जो आपका रेडिएशन है इसमें बहुत ही कोशिश करता है कि फ़ोन को कनेक्ट करने। इस रेडिएशन में आपका और मेरा बहुत ही खतरा है, और रेडिएशन का टाइम यानी रेडिएशन क्या है आपको मैं बता रहा था, तो रेडिएशन एक्चुअली में आप अपना मोबाइल से जो फ़ोन यानी कॉलिंग करते हैं जिस तब आप कॉलिंग करते हैं कॉलिंग करने के टाइम पे आपका मोबाइल से एक सिग्नल पहुंचता है आपका नेटवर्क में, यानी आपका जो बगल में आपको टावर रहता है आपका सब मोबाइल आपको जो सेटेलाइट होता है ना ऊपर में महाकाश जाने जो सेटेलाइट होता है वही है, तो आपका मोबाइल से आपका नेटवर्क जाता है आपका मोबाइल आपका नेटवर्क में, नेटवर्क से आपका जाता है सेटेलाइट में, सेटेलाइट फिर आपको रिटर्न करके आपको भेजता है आपका मोबाइल पे किसके उसी के मोबाइल पे। तो इसका जो सिस्टम से यानी इधर से जाता है कभी कभी आप सोचेंगे आपका मोबाइल पे कैसे ऐसा ऐसा मोबाइल भी होता है जिसमें आपका रेडिएशन कम होता है, यानी जिस इलाका में आपका मोबाइल का नेटवर्क बहुत ही कम आता है, किसी से मोबाइल में होता है ना जैसे कि सैमसंग पकड़ लीजिए उसका नेटवर्क किसी जगह पे नेटवर्क रहता है वो बहुत ही सिग्नल वीक होता है, ठीक है, तो उसी सिग्नल वीक के कारण यानी उसमें सिग्नल वीक होने का एक ही कारण है क्योंकि उसमें रेडिएशन बहुत ही कम होता है, इसलिए उस मोबाइल को बहुत ही सेफ है। मगर जैसे आप बोल दिया मैं आपको ओप्पो उसके बाद सॉरी ओप्पो हो गया उसके बाद आपका जैसे MI आपको वन प्लस एंड मैक्स का जो सेट्स है उसमें रेडिएशन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो यही है आपका रेडिएशन। तो प्लीज़ लॉकडाउन के तहत आप घर पे बैठे हैं आप बहुत सारा मोबाइल की गेमिंग करते हैं मोबाइल यूज़ करते हैं तो प्लीज़ और ज़्यादातर बात करते हैं यानी आपको चाहे गर्लफ्रेंड से हो आपके फ्रेंड्स के साथ हो बहुत बात करते हैं, अगर आप इस तरह से ज़्यादा बात करते हैं तो प्लीज़ आप हेडफोन यूज़ कीजिए मैसेजिंग कीजिए और प्लीज़ सेफ रहिए इस लॉकडाउन के दौरान, आप घर पर रहिए सुरक्षित रहिए बाहर मत जाइए बिना काम का। तो चलिए मैं हूँ राकेश और आप मेरे चैनल को पूरा वीडियो को अगर देख चुके हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और वीडियो को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दो और प्लीज़ मेरा ये चैनल है राकेश का ज्ञान और पहला चैनल था और अभी मेरा चैनल है टेक्नोलॉजी ज्ञान, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी अलाउ कर दो क्योंकि मैं रोजाना आप सभी के लिए इस तरह का वीडियो डाल देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।